बढ़ने के कई सारे रीजंस हैं। किसी किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है, मदर फादर दोनों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, तो बच्चों में उसकी संभावना 50% रहती है नियर फ्यूचर में होने की। दूसरा, स्मोकिंग, टोबैको, डायबिटीज़ वगैरह होना किसी के अंदर, लाइफस्टाइल, किसी का लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है, वेट ज़्यादा होता है, ओबेसिटी होती है, फूडिंग हैबिट्स ख़राब होती है, उनके अंदर हाइपरटेंशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में नमक, सॉल्ट, सॉल्ट के अंदर भी सोडियम कंटेंट। आज के टाइम में मार्केट में जितने भी नमक आ रहे हैं उसके अंदर सोडियम कंटेंट ऑलमोस्ट जो हाई साइड पे होता है, पर कुछ नमक अब नए आने शुरू हुए जिसमें सोडियम कंटेंट कम होता है, जैसे टाटा का लाइट आता है, लोना सॉल्ट मार्केट में मिलता है। हमारी रिकमेंडेशन जो कहती है 4 से 6 ग्राम पर डे नमक की कहती है। इसके अंदर मरीज़ को एडवाइस करते हैं कि आप महीने के स्टार्टिंग में ही छोटी छोटी पुड़िया बना के रख लें 4 से 6 ग्राम की, और डेली एक पुड़िया को खोल के उसी को खाने में इस्तेमाल करें। जो नॉर्मल लोग खाना खा रहे हैं उसके अंदर नमक कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नमक की ज़रूरत होती है। दूसरा, डेली एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइज, 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक इज मोर देन सफिशिएंट, वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा, वेट कम करें। आज के टाइम में हम लोग अपने वेट पर ध्यान नहीं देते, ओबेसिटी का इंसिडेंस इंडिया में बढ़ता जा रहा है एज़ कम्पेयर पहले से। उसके अंदर यह है कि आपका BMI 25 से कम रहना चाहिए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेडिसिन। हम लोग सारे सोचते हैं हमने दवाई, डॉक्टर ने दवाई एडवाइस करी, हमने खाई, BP ठीक आ गया, दवाई रोक दी या बंद कर दी, अपनी वजह से कम कर दी, ये कभी नहीं करना चाहिए। मेडिसिन तभी रिड्यूस करें, तभी बंद करें जब आपका कंसल्टिंग फिजिशियन या आपका डॉक्टर है फैमिली फिजिशियन, वो आपको एडवाइस करें।